प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की गेंद केंद्र के पाले में है तथा उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले विस अध्यक्ष के साथ साथ नए मंत्री भी प्रदेश को मिल जाएंगे। ये कहना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज एक दिवसीय इंदौरा विधानसभा के दौरे के दौरान विश्राम गृह नूरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष सभी पक्ष रख चुका है तथा प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार करना अब केंद्र के पाले में है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली तथा उससे पहले संगठन के चुनावों के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई है। साथ ही में बजट सत्र से पहले नए विस अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार की भी उम्मीद है। मैं आपको तो दिल्ली का चुनाव हो गया यार, अब उसके बाद दिल्ली के चुनाव के परिणाम भी आ गए। अब वहां सरकार बन रही है, केजरीवाल जी फिर कामयाब हुए हैं वहां पर, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि पार्टी का नेतृत्व तो हमारी चीजों को तय करता है। हमारे प्रदेश की ओर से सारा विषय केंद्र के समक्ष रख दिया गया है। हम समझते हैं कि बीच में जो है महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उधर दूसरा चुनाव उधर का था, झारखंड का चुनाव और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजों को लेकर के केंद्र में, और उसके बाद दूसरा ये दिल्ली का चुनाव। अब उसमें अब कोई केंद्र भी ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। उम्मीद बजट सत्र से पहले उम्मीद रखता हूँ। स्पीकर भी होना है बजट सत्र से पहले, स्पीकर और एक्सपेंशन साथ में रहेगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से लवली शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।